Obviously, good morning guys, myself Chandan Kumar. I hope you are doing well. Today we are going to learn financial planning for class 10. Here we discuss all these topics related to this chapter one by one. These topics are, first one is introductions of GST. We will understand what is GST and how we pay GST and how governments get tax from us. And next one is GST tax invoice, how we form tax invoice for GST. And next one is GST computations and ITC, whereas ITC stands for input tax credit. We understand what is input tax credit in next lectures. And next one is shares, mutual funds and systematic investment plans. These days we have heard one times in a day about mutual funds and shares markets. And what is all this? We will discuss all these topics one by one. But before we move forward, I would like to request you, please subscribe our channel, Study with Chandan. So you got the Study with Chandan on your screens. Please subscribe that channel to get the latest notifications related to your class. And if you are a regular student of your school, so please just subscribe our channel. So it is because I am giving regular classes of Maths 1 Algebra and Maths 2 for class 10th, and you are trying for preparing for competitive exams, you can also join our channels, Study with Channels, to enhance your preparations for competitive exams like RRB, NTPC, PCS exams and more. Okay guys, आज हम लोग financial planning को देखेंगे और इनमें देखेंगे किस प्रकार से हम लोग जीएसटी क्या होता है, किस प्रकार से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जीएसटी का टैक्स इनवॉइस किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे, और जीएसटी कंप्यूटेशन एंड आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इनके बारे में जानेंगे, शेयर्स के बारे में जानेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इस प्रकार का वीडियो मेरे आने वाले हैं। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अपने चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपना फैमिली को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं। तो चलिए आज हम लोग पहला अपना टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस अवर फर्स्ट टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज जीएसटी इंट्रोडक्शन। आज हम लोग जीएसटी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे जीएसटी तीन लेटर से बना हुआ है। फर्स्ट लेटर आपका जी, सेकेंड लेटर है आपका एस एंड थर्ड लेटर है आपका टी। जी किन के लिए स्टैंड है? गुड्स के लिए। एस किन के लिए स्टैंड है? सर्विस के लिए। और टी किन के लिए स्टैंड है? टैक्स के लिए। तो गुड्स क्या होता है, सबसे पहले देखिए, यदि हम कोई भी सामान लेते हैं जो फिजिकली क्या हो, इंटरचेंज किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये मेरा किताब है, बुक है, ओके। इस बुक को मैं क्या करता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, किसी से ले सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। जैसे मान लीजिए मैं दुकान में गया और वहां पर दुकानदार से मैं बिस्किट मांगा, तो एक बिस्किट का मुझे पॉकेट गया, तो बिस्किट का पॉकेट क्या हो गया, गुड्स हो गया। यदि मैं पेन खरीदता हूँ, पेंसिल खरीदता हूँ, माइक खरीदा, लैपटॉप खरीदा, व्हाट एवर वी आई हैव जस्ट बाय फ्रॉम शॉप्स, दैट इज गुड्स। जो भी मैं किसी चीज से फिजिकली परचेज में ग्रहण करता हूँ, लेता हूँ, वो क्या कहलाएगा, हमारा गुड्स कहलाएगा। जैसे कपड़ा, वो गुड्स हो गया आपका, टोपी गुड्स हो गए, टी शर्ट गुड्स हो गए, पेन क्या हो गए, गुड्स हो गए, ये सारे क्या यहाँ पे गुड्स हैं, ओके। दूसरा जो टर्म्स है एस, एस क्या है, हमारा सर्विस है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठ के आपको क्या कर रहा हूँ, कोई गुड्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या डायरेक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने जो सीखा है आज तक उनको आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्विस हो गया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, ओके। लास्ट लेटर इज टी, टी स्टैंड फॉर टैक्स। टैक्स हम लोग किनको बोलते हैं, टैक्स किनको बोलेंगे, देखिए जब हम लोग कमाते हैं तो गवर्नमेंट एक क्या होता है हमारे ऊपर, क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए रोड्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, सी पोर्ट्स बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं, जॉब्स निकालते हैं, वैकेंसीज निकालती है, हमारे जो युवा होते हैं उनको रोजगार देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ये सारे देने के लिए, काम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा। और पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आएंगे आम पब्लिक से। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट में जो रहेगा वो कमाकर पूरा देश को चलाएगा, वैसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जो पब्लिक है इस देश के, उनसे क्या करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। जो पैसे लेते हैं उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। तो वो पैसे कहाँ कैसे पब्लिक से लेते हैं, वो दो तरीके से लेते हैं,
या तो वो आपसे डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट से रिड्यूस करेंगे, या फिर वो गुड्स के थ्रू या सर्विस के थ्रू क्या करते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं। ओके, गुड्स के थ्रू कैसे करते हैं, वो गुड्स पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये बुक खरीदा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये बुक पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा देगी, 5% टैक्स लगाएगी, 3%, 8% या फिर व्हाट इवर भी गवर्नमेंट्स वांट टू इम्पोज, गवर्नमेंट्स क्या करेगी इस बुक पर टैक्स इम्पोज कर देगी, और जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा लास्ट वन होगा वो क्या करेगा, वो सारा टैक्स पे करेगा। जैसे मान लीजिए ये बुक का दाम कितना हो गया, 150 हो गए, 150 रुपीज हो गए, 150, यदि मान लीजिए इस बुक को बनाने में आपको 120 लगा है, तो 30 रुपए क्या हो गया, वो आपका गवर्नमेंट टैक्स हो गया। तो ये 30 रुपए किसके पास चले जाएंगे, गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिया क्या, उनके हाथ में जाकर नहीं दिया, ये किसी पब्लिक के बुक सेलर के थ्रू जाएगा या फिर जो बुक को बना रहा है उनके थ्रू जाएगा, तो उनके थ्रू जाएगा। मैंने बुक खरीदा लेकिन मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं दिया, ये किसी और के थ्रू दिया, तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। ओके, गवर्नमेंट जब क्या करे, गवर्नमेंट जब आपके अकाउंट से आप जो पैसे कमा रहे हैं या सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ाने के बदले मुझे क्या दोगे, पैसे दोगे, और जो पैसे मुझे मिलेंगे वो पैसे को गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट मेरे अकाउंट से रिड्यूस कर लेती है, कट कर लेती है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया। तो टैक्स कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो है ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये टैक्स गवर्नमेंट हमारे डायरेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पोज नहीं करती, ये क्या करती, ये टैक्स जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स पर इम्पोज करती है या फिर हमारे सर्विस पर इम्पोज करती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी टैक्स बोलेंगे। ओके गाइज, देखिए जीएसटी जो है हमारे देश में पहले नहीं था, ये 2017 में एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के द्वारा इनको लाया गया, बोल सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, इंडिया में प्रचलित किया। इनसे पहले ये कनाडा में था, मेक्सिको में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, न्यूजीलैंड में थे, और सब अदर कंट्री में टैक्स था इस प्रकार का, लेकिन इंडिया में कब आया, 1 जुलाई 2017 में आया। ओके गाइस, ये तो था हमारा जीएसटी के बारे में, मैंने आपको इनडायरेक्टली इतना बता दिया, तो आगे और भी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीएसटी को किस, जीएसटी किन के लिए स्टैंड है वो मैंने आपको बताया, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस, जी स्टैंड फॉर गुड्स, एंड एस स्टैंड फॉर सर्विस, एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स। ओके गाइस, और हम लोग 1 जुलाई 2017 को इस प्रकार से जीएसटी का क्या किए, स्वागत किया अपने देश में। और आपको ये याद रखना, आपसे सिंगल मार्क्स क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि हमारे देश में जीएसटी कब अप्लाई किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 में ओके अरुण जेटली जी के द्वारा लाया गया था, और उस दिन पार्लियामेंट में पार्टी भी दी गई थी, स्पेशल डे मनाया गया था जीएसटी के उपलक्ष। ओके गाइस, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जीएसटी जो है ये क्यों लाया गया, टैक्स तो गवर्नमेंट पहले भी लेती थी, ऐसा तो नहीं कि जब इंडिया भारत बना, भारत जब आजाद हुई तो उस टाइम से गवर्नमेंट टैक्स लेना भूल गई थी, तो गवर्नमेंट देखिए टैक्स भी पहले भी लिया करती थी, लेकिन पहले जो थी वो गवर्नमेंट क्या करती थी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता था, जो बाहर से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं उस पर अलग टैक्स, और जो स्टेट के अंदर एक अलग टैक्स, एक इंटर टैक्स, इंट्रा टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। तो जीएसटी ने क्या किया, सारे टैक्स को एक साथ कंज्यूम कर गया, सारे को एक साथ मिलाकर एक टैक्स बन गया, कौन सा, जीएसटी। और इनको बोला गया जीएसटी क्या होगा हमारा, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स लगेगा। आप पूरे भारत में कहीं भी घूमे, कोई भी गुड्स खरीदे, उनपे जो टैक्स पांडिचेरी में लग रहा है वही टैक्स आपका बिहार में लगेगा, वही टैक्स आपका पंजाब में लगेगा, वही टैक्स दिल्ली में लगेगा, वही टैक्स आपका महाराष्ट्र में लगेगा। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप खरीद रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला है। लेकिन पहले क्या होता था, उन पे वैट टैक्स लगती थी, एक्साइज टैक्स लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम टैक्स लगता था, और सेस टैक्स लगते थे, सेस लग जाते थे, एजुकेशन सेस हो गया, या फिर वट एवर भी सेस गवर्नमेंट जस्ट वांट टू इम्पोज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके गाइस, तो देखिए जीएसटी ने क्या किया, टोटल 12 टैक्स को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया। कौन कौन सा टैक्स था, जो सारे टैक्स को मिला दिया गया, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस टैक्स, वेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिनको बोलते हैं हम लोग, लग्जरी टैक्स यदि आप महंगा गाड़ी खरीदे हैं तो उनपे भी आपको ज्यादा टैक्स लगेगी, इंटरटेनमेंट टैक्स यदि आप मूवी देखने जाते हैं, कोई मूवी आती है उनपे टैक्स लगती थी, ऑक्टोरी टैक्स ये टैक्स हो गया आपके, सीएसटी टैक्स और काउंटरवेलिंग टैक्स ड्यूटी टैक्स लगते थे आपको, सीबीडी टैक्स और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स सेड टैक्स। ओके, ये सेट शुरू बने अकाली दल वाला पंजाब वाला पार्टी नहीं है, ये सेट है आपका स्पेशल एडिशनल
ड्यूटी टैक्स, ये सारे टैक्स लगते थे। जीएसटी ने क्या किया, ये सारे टैक्स को एक साथ मिला दिया और सिंगल टैक्स बनाया, वो जीएसटी टैक्स, जिनको हम लोग बोलते हैं वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स वन कंट्री। ओके, वन मार्केट, एक मार्केट के लिए, एक देश के लिए, और क्या करेंगे, एक ही टैक्स हम लोग पे करेंगे, चाहे आप इंडिया में के अंदर दिल्ली में हो, मुंबई में हो, या फिर पौंडीचेरी में हो, आप इंडिया के अंदर कहीं भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ऑब्जेक्ट्स पर, उस गुड्स पर एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, और ये इफेक्ट कब से किया गया इंडिया के अंदर, 1 जुलाई 2017 से। ओके, टैक्स इनवॉइस देखिए, आप यदि कोई सामान खरीदते होंगे तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलता होगा, तो इस प्रकार से आपसे आपको टैक्स इनवॉइस मिलता है। तो देख लीजिए पहला टैक्स इनवॉइस किस प्रकार से होता है, क्या होता है, सबसे पहले सप्लायर का नाम, जो बेच रहा है उनका ये होता है। जैसे मान लीजिए मैं बेचने वाला हूँ, मैं दुकानदार हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सामान बेच रहा हूँ, मुझे ये बुक बेचना है, ये बुक बेचना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। जब मैं रजिस्टर करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। ओके, सबसे पहले तो मैं जहाँ पे दुकान खोला हूँ वहाँ का जो एड्रेस होगा वो मैं लिखूंगा। ओके, तो देखिए सप्लायर है, सप्लायर हूँ मैं, मेरा दुकान का नाम A2Z स्वीट मार्ट है, सॉरी बुक मार्ट मान लीजिए, बुक मार्ट है मेरा। ओके, ये मेरा एड्रेस है। ओके, एड्रेस होने के बाद मैंने क्या किया, अपना दुकान को जीएसटी में रजिस्टर करवाया, तो जब रजिस्टर करवाया तो मुझे क्या मिला, एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिला। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग मोर। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। मुझे क्या मिला, जीएसटी आईएन मिला। जीएसटी आईएन क्या हो गया, ये हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, IN स्टैंड फॉर, I स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, N स्टैंड फॉर नंबर। जब मैं रजिस्टर करवाया अपने दुकान को तो मुझे क्या मिला, एक जीएसटी IN मिला, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला, कि मैं क्या क्या हूँ, अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवा लिया हूँ। ओके, उनके बाद जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो इनवॉइस में क्या होता है कि आपको जीएसटी नंबर लिखना रहता है, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनके बाद इनवॉइस नंबर लिखना रहता है। जीएसटी में इनवॉइस नंबर ये मान लीजिए 110 है आपका। इनवॉइस डेट लिखना रहता है, किस डेट को आप ये इनवॉइस इशू कर रहे हैं, मान लीजिए 30 जुलाई 2017 अभी तो आ गया आपका, ओके 21 आ गया है, ये मान लीजिए 21 में मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। ओके गाइस, उनके बाद क्या होता है, तो आपको समझने के लिए क्या है, आपका एसटीएन है यहाँ पे, जीएसटी आईएन है। ओके, इनवॉइस ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बाद देखिए इनवॉइस में ये एसएन क्या हो गया, आपका सीरियल नंबर हो गया। Are you seeing it? Okay. SN number क्या हो गया आपका? Serial number हो गया। HSN code क्या होता है? इनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे। Name of product, मान लीजिए मैं पेड़े खरीद रहा हूँ तो पेड़े हो गया। Rate, किस price है? यानी price कैसे? 400 रुपए, 400 rupees per kg, 1 kg का कितने price है? 400 है। Okay, quantity, मैंने कितना खरीदा है? वो लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने 500 ग्राम खरीदा है, मतलब 1.5 kg मैंने खरीदा है। Sorry, 1/2 kg मैंने खरीदा है। ओके, टैक्सेबल अमाउंट यानी किसके कितने, 1 kg के कितने है प्राइस, 400 है। 1 kg का प्राइस कितने है, 400 है। जब मैं 500 ग्राम खरीदूंगा तो कितना प्राइस हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। ओके, सेंट्रल जीएसटी रेट्स कितना लग रहा है हमारा, 2.5%। ओके, तो कितना हो गया, 200 का 2.5% 5 rupees हो गया। फिर स्टेट जीएसटी कितना हो गया, एस स्टैंड फॉर स्टेट, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल। स्टेट जीएसटी कितना हो गया, 2.5%, तो क्या हो गया हमारा 5%, 5 rupees हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 200 रुपये मुझे प्रोडक्ट के पे करने थे और 5 रुपये सेंट्रल को लिए। देखिए 5 रुपये टैक्स सेंट्रल को गया, 5 रुपये टैक्स किन को गया, स्टेट गवर्नमेंट को गया। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 10 रुपये। तो 200 रुपये का मैंने सामान खरीदे, 200 के मैंने सामान लिए और 10 रुपये मुझे टैक्स पे करना पड़ा, तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 210 rupees पे करना पड़ेगा दुकानदार को। ओके, यदि मैं दुकानदार हूं तो आपको 210 rupees पे करना पड़ेगा। इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्ट्स के क्या बनते हैं, इनवॉइस बनते हैं, टैक्स इनवॉइस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीएसटी आईएन क्या होता है। ओके, सीजीएसटी क्या हो गया आपका, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल और जी स्टैंड फॉर गुड्स एंड एस स्टैंड फॉर सर्विस एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, सीजीएसटी क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। एसजीएसटी क्या हो गया, एस स्टैंड फॉर स्टेट, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, उनको क्या बोलेंगे, एसजीएसटी। और एक और टैक्स होता है आपका यूटी, यूनियन टेरिटोरी
UTGST, यदि ये भी आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले तो आपको घबराना नहीं है, जिस प्रकार से GST है उसी प्रकार से UTGST है, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके गाइस, दोनों सेम ही है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और देखिए जीएसटी जितना भी लगता है, यदि मान लीजिए 10% 20% लगा तो वो क्या होगा, दो में डिवाइड हो जाएगा, स्टेट और सेंट्रल के बीच क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यदि मान लीजिए 10% टैक्स लग रहा है तो 5% टैक्स किनके पास जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा, और 5% टैक्स किनके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा। तो जीएसटी का ये है कि आप जितने भी पैसे करो, यदि गवर्नमेंट सबसे लेती है वो क्या करते हैं, हाफ हाफ डिवाइड कर लिया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या फिर सेंट्रल और यूनियन टेरिटोरी के बीच में। ओके गाइस, आई होप यू गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, GSTIN क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया GSTIN क्या होता है आपका, जी स्टैंड फॉर गुड्स एंड एस स्टैंड फॉर सर्विस, डी स्टैंड फॉर टैक्स एंड आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एन स्टैंड फॉर नंबर। तो GSTIN क्या होता है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, GSTIN मिलेगा। ओके, और ये कितने नंबर के होते हैं टोटल, टोटल जो है ये 15 डिजिट्स के होते हैं, इनमें टोटल 15 डिजिट्स होते हैं। अभी मैंने आपको टैक्स इनवॉइस दिखाया था तो आप जाके देख सकते हैं उनमें टोटल कितने होते हैं, 15 नंबर होते हैं। और ये किनका बनता है, जिनका पिछले साल, यदि मान लीजिए मैं 2021 में आ गया हूं, तो हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में कब से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमारा समाप्त होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो अभी हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर में, हमारा ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है कब समाप्त होगा, 31 मार्च को समाप्त होगा। ओके, तो इसमें क्या बोला गया, यदि मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए जब बनाऊंगा तो हमारा 20 और 21 में कितना होना चाहिए इनकम जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है उनका ओवरटर्न कितना होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। यदि हमारा 20 लाख का ओवरटर्न मैं कर सकता हूँ, यदि सामान मैं बेचता हूँ, तब हमारा क्या बनेगा, GSTIN नंबर बनेगा, कोई भी सर्विस का GSTIN नंबर बनेगा। आप उनसे पहले भी बना सकते हैं लेकिन उनसे ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, आपको 20 लाख से क्या करना है, बिजनेस ज्यादा अगर करना है तब आपका GSTIN नंबर आपको मिलेगा। ओके गाइस, टोटल नंबर्स कितने होते हैं इसमें, डिजिट कितने होते हैं, 15 होते हैं। अल्फा मींस अल्फाबेट्स होंगे ABCD, और न्यूमरल्स मींस नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर यू कैन से दैट। ओके, और ये क्या करते हैं, आपके जो पैन कार्ड होते हैं, पैन कार्ड का कितने नंबर डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, उनको ही GSTIN में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हर डिफरेंट व्यक्ति का पैन कार्ड जो है डिफरेंट होता है, उनका कुछ अलग डिजिट्स होता है, उनको क्या कर दिया जाता है, GSTIN में ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से GSTIN नंबर मिलता है। देखिए आपको जो मिलेगा इस प्रकार से, जो दो डिजिट्स होते हैं, जो दो न्यूमेरिकल्स है, ये सारे क्या नंबर है, ये क्या है, किनको इंडिकेट करेंगे, ये आपको, ये आपका स्टेट को इंडिकेट करेगा। जैसे मान लीजिए 27, ये किनको इंडिकेट कर रहा है, स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, ये कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 27। ओके, सबसे पहले हम लोग नंबर गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितने हैं GSTIN नंबर, 15 है। 2 क्या हो गया आपका, स्टेट आइडेंटिफिकेशन, 27 है तो ये क्या हो गया आपका, महाराष्ट्र का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। यदि आप 27 देख लीजिए तो सिंपल सी बात है, ये बोल देंगे ये कहाँ का बंदा है, कहाँ का GSTIN GST में रजिस्टर किया गया है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, इनका बिजनेस कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ओके, और उनके बाद ये 10 डिजिट्स है, ये क्या आपका, 10 डिजिट्स जो है ये आपका क्या है, पैन कार्ड नंबर है, जो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है उनको हम लोग बोलते हैं पैन कार्ड बोलते हैं। तो ये आपका 10 डिजिट्स नंबर हो गया। और उनके बाद जो 3 डिजिट्स नंबर बच गया, पहला नंबर जो है ये क्या होता है, आपको रिप्रेजेंट करता है रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन किया, कितने रजिस्ट्रेशन किया उनको रिप्रेजेंटेशन करता है, 1 है, इट मींस आप 1 रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। ओके, दूसरा जो है ये जेड, ये किनको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट, ये नंबर जो है अपने आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाला जा सकता है, ये खुद आता है, इनके लिए ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि ये आपका इसको आइडेंटिफाई करेगा या फिर इनको आइडेंटिफाई करेगा, ये यूनिफॉर्म है, बाय डिफॉल्ट ये नंबर आते हैं।
नेक्स्ट क्या हो गया आपका लास्ट नंबर, और ये क्या करता है, ये सम डिजिट होते हैं जितने भी नंबर आपके सम किए गए हैं वो क्या करता है, आपका जीएसटी नंबर जो है वो वैलिड है या नहीं है, इनवैलिड तो नहीं हो गया, आप जीएसटी रजिस्टर करवाए 2017 में और आप भरने के लिए जा रहे हैं 2021 में, तो वो अभी तक वैलिड है या फिर नहीं है उनको इंडिकेट करता है। यदि नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ये लास्ट नंबर जो है ये वैलिडिटी को चेक करता है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। और अभी मैंने आपको दिखाया था एचएसएन, एचएसएन क्या होता है, एचएसएन जो है वो क्या करता है, जब हम लोग कोई भी गुड्स खरीदते हैं उस गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एचएसएन नंबर देते हैं, और एचएसएन नंबर क्या कहलाता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एच स्टैंड फॉर हार्मोनाइज्ड, एस स्टैंड फॉर सिस्टम एंड एन स्टैंड फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम, नामकरण। ओके, तो एचएसएन क्या है, हम लोग बेसिकली कोई भी नंबर को एचएसएन, मान लीजिए कोई भी गुड्स है उनके लिए कोई भी हम लोग एचएसएन दे देते हैं कोई भी नंबर, ये आपको याद नहीं करना, ये दुकानदार अपने मन से डालते हैं। ओके गाइस, ये तो था हमारा गुड्स का। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या सर्विस का टैक्स इनवॉइस देखते हैं किस प्रकार से होता है। सर्विस का टैक्स इनवॉइस देखिए इस प्रकार से होता है, इसमें आपका क्या रहेगा, एक चीज आपको सिर्फ चेंज मिलेगा यहाँ पे, सारा चीज सेम रहेगा। ओके, इनवॉइस रहेगा, डेट रहेगा, जीएसटी आई नंबर भी रहेगा, सारा चीज है, इनवॉइस नंबर भी है, डेट भी है, इशू डेट भी है, कभी 25 दिसंबर 2017 को किया गया था, इनवॉइस नंबर 58 है। तो यहाँ पे आपको एक चीज चेंज देखने को मिल रहा है, क्या सेक, एचएसएन की जगह पर क्या आ गया आपका, सॉरी एचएसएन की जगह पर क्या आ गया, सेक आ गया है। और यहाँ पे फूड आइटम्स सेम है, कॉफी है, मसाला है, क्वान्टिटी वन, रेट है, ओके, टैक्सेबल अमाउंट्स कितने हैं, रेट कितना है, 200 है, सॉरी 20 रुपीज है एक का, तो टैक्सेबल अमाउंट्स वन कॉपी के लिए 20 रुपीज, टैक्स सेंट्रल के लिए 5% जा रहा है, 2.5% और 2.5% स्टेट के लिए जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% में 2.5 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा, 5 रुपीज स्टेट को जाएगा और 5 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके गाइस, ओके, 5 नहीं जाएगा क्या, 25 10 4 टाइम्स 00 कैंसिल 4, ओके, तो आपका कितना होगा, 2 point something होगा, 0.5 जाएगा, सॉरी 0.5 जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ओके, टैक्स के रूप में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखने को डिफरेंस मिल रहा है क्या, जहां पर हम लोग गुड्स लेते हैं तो वहां पे एचएसएन लिखा रहता है, और जहां पे हम लोग सर्विस लेते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, एचएसएन के जगह पे सैक लिखा जाता है। और सैक जो है वो किन के लिए स्टैंड करता है, इन द वाइस टैक्स सर्विस दिस स्टैंड फॉर वाइल्ड सर्विस, सर्विस के लिए स्टैंड करता है, और इनका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं। ओके गाइस, चलो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। Price of 1 kg pate is 400, therefore the cost of 50 grams of pate is 200. देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करता हूँ। पेड़े, 1 kg पेड़े का दाम कितना है, 400 रुपीज है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/2 kg पेड़े खरीद रहा हूँ, तो कितना मुझे पे करना पड़ेगा, 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कितना मुझे जीएसटी पेड करना है। ओके, जीएसटी रेट कितना है पेड़े पर, 2.5 लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 2.5 लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। सिंपल सी बात है, जीएसटी की रेट कितना है हमारा, 2.5 प्लस 2.5 करेंगे तो कितना हो गया, 5% हो गया, 5% हो गया। तो कितने का मैंने खरीदा, 500 ग्राम खरीदा, तो सिंपल सी बात हो गया, मैंने 200 रुपीज का खरीदा है। जब 200 रुपीज का खरीदा है तो पैसे किन पे लगेंगे, 200 रुपीज पे जो मैं पे कर रहा हूँ उन पे टैक्स लगेगा। 200 पे कर रहा हूँ तो मैं 200 का क्या निकालूंगा, 5% निकालूंगा, क्योंकि 2.5 लग रहा है, 2.5 तो ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5%, तो 5% कितना हो जाएगा हमारा, 20 क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट, तो क्या हो गया, 5 into 2 = 10। जब 10 रुपीज हो गया तो 10 रुपीज क्या करेगा, मैंने आपको बताया क्या करेंगे, दो इक्वल भाग में इनको डिवाइड कर देंगे, 5 रुपए किनके पास चले जाएंगे, सेंट्रल के पास चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 5 रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। ओके गाइस, इसी प्रकार इट मींस क्या हो गया हमारा, टोटल जीएसटी कितना हो गया, 5% हो गया, और टोटल जीएसटी कितना आ गया, 10 रुपीज आ गया। तो अब उनको दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा, 210 रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद चंदन,
और ताकि आपको आपके क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलता रहे, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि मेरा भी मोटिवेशन आगे बढ़ता रहे, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से क्लास लूँ, आपको भी मैं पढ़ाता रहूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट जो है क्या है हमारा, ओके, टैक्स जो है, जीएसटी कितने टाइप्स के लगते हैं। टोटल जीएसटी देखिए इंडिया में जो 5 टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या है हमारा, जीरो रेटेड है जीएसटी, जीरो रेटेड है। दूसरा है हमारा लो रेटेड, जो 5% लगता है। और तीसरा जो है हमारा स्टैंडर्ड रेटेड, फर्स्ट स्लैब में आता है, जिनमें हमें 12% लगता है। और नेक्स्ट जो है कितना है, स्टैंडर्ड एंड रेटेड स्लैब सेकेंड, जिनमें 18% लगता है। और हाईली रेटेड जो कि 28% है। जब हम लोग कोई भी लग्जरीज व्हीकल्स खरीदते हैं तो वहां पे हमें कितना पे करना पड़ता है, 28% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो चलिए सबसे देखते हैं जीरो रेटेड में कौन कौन से गुड्स हैं जो जीरो रेटेड 0% जीएसटी उन पे लगता है। तो पहले देख लीजिए, यदि मैं कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज लेता हूँ, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, अर्थन पोर्ट्स हो गया, ये सारे क्या हो गए हमारे एसेंशियल गुड्स में हो गए, तो यहाँ पे हमें क्या लगने वाला है, 0% जीएसटी लगने वाला है। यदि मैं चले जाऊँ कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ चैरिटेबल, यानी मैं किसी की भलाई के लिए, अपने समाज के लिए कोई काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या लगेगा, 0% सर्विस चार्ज लगेगा, 0% जीएसटी पे करना पड़ेगा। यदि मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज है, तो यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में करता हूँ, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस है, ओके, पब्लिक लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस, ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस, ETC, यदि ये सारे सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस पे मुझे कितने परसेंट जीएसटी पे करना पड़ेगा, 0% जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, लो रेटेड जीएसटी क्या हो गया हमारा, 5% हो गया। 5% किस किस गुड्स पे मुझे पे करना पड़ेगा, कॉमनली यूज आइटम्स जो हम लोग अपने पर डे लाइफ में यूज करते हैं, उनके लिए हमें 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एलपीजी गैस हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया, फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, स्वीट्स हो गया, ETC, इनके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 5% पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, और सर्विस कौन से हैं जीएसटी में जो, जिनके लिए मुझे 5% पे करना पड़ेगा, रेलवे हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए मुझे 5% पे करना पड़ेगा। यदि बस ट्रांसपोर्टेशन में मैं सर्विस में काम करता हूँ, तो उनके लिए मुझे सर्विस टैक्स कितना देना पड़ेगा, 5%। टैक्सी सर्विस टैक्स कितना देना पड़ेगा, 5%। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए 5% लगेगा इकोनॉमिक क्लास के लिए। और होटल्स प्रोवाइडिंग एंड फूड्स एंड बेवरेज के लिए कितना लगेगा, 5% टैक्स लगने वाला है जीएसटी। ओके, स्टैंडर्ड रेटेड जीएसटी क्या हो गया हमारा, 12%। ये कौन से गुड्स पे लगते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो गए, बटर हो गए, जेम्स हो गए, जेली हो गए, सॉस हो गए, पिकल्स हो गए, मोबाइल हो गया, ये सारे भी कितने परसेंट टैक्स लगने वाले हैं आपके, 12% लगने वाले हैं। यदि मैं सर्विस लूं तो सर्विस में 12% कौन से सर्विस में लगने वाले हैं, यदि प्रिंटिंग जॉब है या प्रिंटिंग का जॉब करते हैं आप, कोई भी इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं आप, रियल एस्टेट में है, तो वहां पे आपको कितने परसेंट पे करना पड़ेगा, 12% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब सेकंड में जो है 18% टैक्स लगता है। और ये कौन से गुड्स होते हैं, कौन से गुड्स में लगते हैं, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, मेटल्स आइटम्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर हो गए, मॉनिटर हो गए, सीसीटीवी हो गए, ETC, जो स्टैंडर्ड आइटम्स है उन पे हमें 18% टैक्स पे करना पड़ता है गुड्स पे। और वहीं पे सर्विस जो हो गए, कौन कौन से स्टैंडर्ड सर्विस हो गए, कुरियर सर्विस हो गए, आउटडोर कोर्ट कैटरिंग हो गया, सर्कस हो गया, ड्रामा हो गया, सिनेमा हो गया, एग्जीबिशंस हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर सर्विस हो गया, इनशेयर ट्रेडिंग, ETC, इस प्रकार का कोई भी स्टैंडर्ड वर्क होगा, तो वहां पे हमें सर्विस जीएसटी टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, हमें 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, हाईली रेटेड, सॉरी गाइस, हाईली रेटेड टैक्स जो है 28%। ये कौन कौन से गुड्स में लगेंगे, लग्जरी आइटम्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए उनके, लग्जरी कार्स हो गए, पान मसाला हो गया, यदि आप पान मसाला खाते हैं या गलत काम करते हैं तो उनपे भी आपको 28% टैक्स पे करना पड़ेगा। वैक्यूम्स क्लीनर हो गया, डिश हो गया, वॉशर्स हो गया, AC हो गई, वॉशिंग मशीन हो गए, फ्रिज हो गए, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, और एरिएटेड वाटर, ETC, ये सब पे कितना टैक्स लगने वाले हैं आपके, 28% टैक्स लगने वाले हैं। ओके गाइस, देखिए सर्विस, हाईली रेटेड सर्विस में कौन कौन सा आ गया, सर्विस में 5-star होटल में यदि आप एकोमोडेट कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या लगेंगे, 28% टैक्स पे करना पड़ेगा। पार्क
पार्क के लिए आपको 28% टैक्स लगेगा, वाटर पार्क 28%, यदि आप वाटर पार्क ओपन किए हैं तो वहां पे गवर्नमेंट को 28% आपको टैक्स जो है जीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा। थेम्स पार्क में 28% लगेगा, कैसीनो यदि आप जाते हैं तो वहां भी आपको 28% लगेगा, रेस कोर्स वहां भी आपको 28% लगेगा, आईपीएल गेम्स के लिए भी आपको 28% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्लास में यदि आप सफर कर रहे हैं तो वहां भी आपको टैक्स 28% पे करना पड़ेगा। यदि और भी आपको जानकारी लेना है कौन से गुड्स और सर्विसेज कितने टैक्स लग रहे हैं तो आप गवर्नमेंट साइट www.cbec.government.in पर जाके चेक कर सकते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम साइट्स है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन से गुड्स और सर्विसेज पे कितने टैक्स लग रहे हैं। ओके गाइस, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, जैसा इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब पर जीएसटी के अंदर नहीं आते, सॉरी टैक्स नहीं लगते, इन पे टैक्स लगते हैं लेकिन ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टैक्स नहीं लगते, टैक्स लगते हैं लेकिन ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं किस प्रकार से उसको कंप्लीट करना है, आपको ये घर से कंप्लीट करके लाना है। ओके, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग रिमेनिंग सेट एंड एचएसएन कोड विद रेट्स एंड ऐड सम मोर आइटम्स इन द लिस्ट। आपको क्या करना है, कुछ आइटम्स दिए गए हैं उनको आपको सेक्स में लिखना और एचएसएन कोड लिखना उनके लिए कि ये सर्विस में है या फिर गुड्स में है, और उनका रेट्स भी आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे कुछ सर्विस दिए गए हैं। ओके गाइस, तो आपको कोड दिया गया, सैक कोड्स दिया गया सर्विस के लिए और एचएसएन कोड आपको दिया गया है गुड्स के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रेट्स उनको फाइंड आउट करना है, जीएसटी रेट बताना है या सर्विस के लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए कौन कितने जीएसटी रेट्स हैं, या फिर एयरवेज सर्विस इकोनॉमिक के लिए कितने जीएसटी रेट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया ब्रोकरेज सर्विस के लिए कितने जीएसटी रेट्स हैं ये आपको बताना है, टैक्सी सर्विस के लिए कितने हैं, या फिर फाइव स्टार होटल सर्विस के लिए कितने टैक्स लगते हैं जीएसटी के वो आपको बताना है, या फिर आप पोटेटोज खरीदते हैं तो वहां पे आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है जीएसटी टैक्स, ये सारे टैक्स हैं ये आपको घर पे करना है, अभी मैंने आपको तुरंत बताया ही है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। ओके गाइस, और आपको ये टैक्स याद रखना है कि सैक और एचएसएन जो है ये आपको याद नहीं करना है, ये क्योंकि कोड उतना याद इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये क्योंकि अपने दुकानदार जो है वो अपने अनुसार चेंज करते रहते हैं, नो नीड टू रिमेम्बर इट। ओके, कोड्स आर ऑन द इन्फॉर्मेशन, और ये आपको कोड्स आपको दिए ही रहेंगे यदि कहीं भी एचएसएन कोड और सैक कोड जो है ये आपको खुद दिए हुए रहेंगे। ओके गाइस, तो चलिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग जीएसटी पर आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू। आरती गैस एजेंसी जो है वो क्या करती है, एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई करती है अपने कंज्यूमर्स को कितने पर, 545 रुपीज पर। जीएसटी चार्ज कितना है, 5% है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीटी स्टेट जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस। आपको क्या करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है जीएसटी का, तो आपको बताना सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा और स्टेट जीएसटी कितना लगेगा। यदि आरती क्या कर रही है, गैस सप्लाई कर रही है कितने पर, 545 रुपीज पर ही, और ये टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रही है। ओके, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आरती गैस एजेंसी। और आपको ये बताना है कितना जीएसटी अमाउंट पेड किया जाएगा आरती गैस एजेंसी को। ओके गाइस, सॉल्यूशंस में देखते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ जीएसटी कितना लग रहा है हमें, 5% लग रहा है, किस पे निकलना है, कौन से रुपए पे लग रहे हैं, 545 पे लग रहे हैं। देखिए तो किस पे लगाएंगे हम लोग, 545 ऑफ 5% ऑफ मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग, 5% मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो सेंट्रल जीएसटी मैंने 25% है तो क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल जीएसटी क्या हो गया आपका 2.5% एंड स्टेट जीएसटी क्या हो गया 2.5%, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो 5% का क्या हो गया 2.5% सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। आफ्टर डेट वी विल राइट है सेंट्रल जीएसटी क्या हो जाएगा हमारा 2.5% ऑफ किनका, 545 का, तो मल्टीप्लाई 545 2.5 आपको परसेंटेज में बताया होगा, परसेंटेज क्या होता है, यदि 2.5% लिखा है तो सिंपल सी बात क्या हो गया, परसेंटेज को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो परसेंटेज किन में आ जाता है हमारा, 100 टर्म्स में आ जाता है, तो 100 टर्म्स में आ गया तो 2.5 अपॉन 100 इंटू क्या करेंगे, कितने टैक्सेबल अमाउंट है हमारा 545, तो इनको सॉल्व आउट करेंगे, इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13.625
और इनको हम लोग 13.625 को क्या लिख सकते हैं, 13.63 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 2 से बड़ा क्या आपका 5 है, यदि 5 के बराबर या इक्वल हो या फिर इनसे ग्रेटर हो तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एक डिजिट को बढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 13.63 रुपीज। ओके, तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो है दोनों क्या इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, स्टेट जीएसटी भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13.63। ओके, अमाउंट टू बी पेड टू द कंज्यूमर इक्वल टू क्या होगा, कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारा 545 प्लस सेंट्रल जीएसटी कितना हो गया 13.63 रुपीज, फिर स्टेट जीएसटी कितना हो गया 13.63 रुपीज। जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 572.26 रुपीज जो है ये क्या करना पड़ेगा, आर्थिक गैस एजेंसी को पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। ओके, कंज्यूमर किनको पे करेगा, ये आर्थिक गैस एजेंसी को पे करेगा। उनके बाद देखिए क्या करेंगे, आर्थिक गैस एजेंसी हैज टू पे, आर्थिक गैस एजेंसी को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 13.63 और स्टेट गवर्नमेंट को 13.63 रुपीस पे करना पड़ेगा। उनके बाद टोटल जीएसटी कितना पेड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना, या फिर आप ऐड कर दीजिए दोनों को या मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जैसा मन कर रहा है वैसा कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13.63 इंटू 2 कर दिए तो कितना होगा 27.26 रुपीस, ये क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, ये इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ 4.1। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर भी देख सकते हैं कोई बुक, आप महाराष्ट्र बोर्ड बुक को ट्राई कर सकते हैं, क्लास 10th की, वहां पे अच्छे से बताया गया है। तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड बुक का चैप्टर नंबर 4.1 कंप्लीट करना है। आप यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं आप, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स अलजेब्रा बताया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाता है और बहुत से चीजें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बताया जाता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।